हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो सुपर नीट क्लासेस ऑनलाइन। आई एम सुनील कुमार। तो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, ज्यादा नहीं था, 15 मिनट्स का था। तो 15 मिनट्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, स्टाइल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। स्टाइल हमारी सॉलिड भी हो सकती है। हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टाइल हमारी सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड भी हो सकती है और हॉलो भी हो सकती है, ये मैंने आपको बताया था। जब स्टाइल हमारी सॉलिड और सेमी सॉलिड होगी तो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में मैंने आपको बताया था, पोलन ट्यूब की टिप पर क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और ट्यूब न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस को हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर और वहां पर क्या होता है, सेलुलेस और पेक्टिनेस नाम के एंजाइम होते हैं जो कैनाल को, जो स्टाइल है, स्टाइल को, स्टाइल के अंदर, यदि स्टाइल सॉलिड है और सेमी सॉलिड है तो उसके अंदर जो भी पदार्थ है उसको डाइजेस्ट करते हुए आते हैं, ताकि ताकि इजिली पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच सके, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में, पोलन ट्यूब बिल्कुल बिल्कुल आपके आगे बढ़ती जाएगी, फोर्सेबल स्टाइल के अंदर बिल्कुल फोर्सफुली चलेगी। तो कहीं ऐसा ना हो फोर्स लगा रहे हैं और पीछे जो मेल गैमेट से वो बैक फ्लो हो जाए, तो मेल गैमेट बैक फ्लो ना हो जाए, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या होता है, पोलन ट्यूब के पीछे कैप ब्लॉक मिलते हैं देखने के लिए। और वो कैप ब्लॉक किसके बने होते हैं, सेलुलर, और वो कैप ब्लॉक किसके बने होते हैं, वो होते हैं कैलोस, और किसके बने होते हैं, कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से मेरे को, कैलोस और कार्बोहाइड्रेट के लिए, कैलोस और कार्बोहाइड्रेट से, वेरी गुड गुड उसके लिए जिसने बताया है अभी, ठीक है। अब उसके बाद उसी बात को अब हम आगे कनेक्ट कर रहे हैं। अब इतनी बात को, जितनी मैंने आपको बात बताई है, ये सारी बात किस साइंटिस्ट ने बताई थी, ये बताई थी जीबी एमेकी नाम के साइंटिस्ट ने ये सारी बात बताई थी। और 1824 में मैं डिस्कवर किया था पोलन ट्यूब में, ठीक है, 1824 में डिस्कवर किया था पोलन ट्यूब को, ठीक है, एमेकी नाम के साइंटिस्ट ने 1824 में पोलन ट्यूब को डिस्कवर किया था। और किसमें किया था, पोर्टुले का प्लांट में, याद रखिए, प्लांट का भी नाम याद रखिए, ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है, मेंशन नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। और अब उसके बाद देखिए, उन्हीं बातों को मैं आगे, मैंने यहां पूरा, मैंने क्रम से, मैंने सारी चीजों को लिखा है, मैंने क्रम से इसलिए लिखा है ताकि आप जब पेपर आए, पेपर में डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी लैंग्वेज में और कम शब्दों में अपनी बात को आप कह पाओ, इसलिए मैं यहाँ पर सारी चीजें मैं लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की हर चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य स्टेट टॉप कराना आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, उससे आगे हम देखते हैं, ये स्टाइल वाली बात से आगे देखते हैं, जनरली ओनली वन पोलन ट्यूब, जनरली जब पोलन ट्यूब निकलती है पोलन ग्रेन से, तो जनरली वन पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस बाय ए पोलन ग्रेन, जब जनरली पोलन ट्यूब से एक ही पोलन, जब पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मोनोसाइफोनस हम कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एट पॉइंट हमारा ये एट वाला पॉइंट देखते हैं, बट सम प्लांट्स लाइक मेंबर ऑफ कुकुरबिटेसी, ये लिखा है कुकुरबिटेसी, ठीक है, स्पेलिंग बोल देता हूं, CUCURBITACEAE कुकुरबिटेसी, ठीक है, प्रोड्यूस मैनी पोलन ट्यूब, जब पोलन ग्रेन के अंदर कभी कभी एक से अधिक पोलन ट्यूब निकल आती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस, ये पॉलीसाइफोनस
जब एक से अधिक पोलन ट्यूब निकल आती है पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन से, तब उसको हम पॉलीसाइफोनस बोलते हैं। और ये हमें किस में देखने मिलता है? कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने के लिए मिलता है। ये मैंने लिखा हुआ CURBITACEAE, कुकुरबिटेसी फैमिली में पॉलीसाइफोनस हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद द पोलन ट्यूब कंटेन्स ए वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, और ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू मेल गैमेट्स। अब पोलन ट्यूब के अंदर मैंने आपको बताया था कि पोलन ट्यूब के अंदर होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ये रहा, ये लिखा हुआ पोलन ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है, और ट्यूब न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें? टू मेल गैमेट्स होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि मेल गैमेट्स बैक फ्लो ना हो जाए, तो उसके लिए पोलन ट्यूब में ही पीछे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमको कैप ब्लॉक देखने के लिए मिलता है, जो कैलोज और कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं, जो बैक फ्लो को रोकते हैं, मेल गैमेट्स के बैक फ्लो को रोकेंगे। ठीक है, अब उसके बाद लेटर द वेजिटेटिव सेल डीजनरेट्स। ठीक है, द पोलन ट्यूब नाउ रीच द ओव्यूल आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टाइल। देखिए, जैसे जैसे हमारी पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाती है स्टाइल के रास्ते, जैसे जैसे हमारी पोलन ट्यूब स्टाइल के रास्ते आगे बढ़ती जाती है, और आगे बढ़ते 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 क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है आगे बढ़ती जाती है धीरे धीरे, और माइक्रोपाइल वाले एंड से एंटर करती है एम्ब्रोशेक में। स्टाइल के रास्ते पोलन ट्यूब धीरे धीरे आगे बढ़ती है और माइक्रोपाइल वाले एंड से एंटर करती है एम्ब्रोशेक में। मैंने आपको बताया था मेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रोशेक दोनों ही एक ही बात होती है, चाहे आप मेल गैमेटोफाइट कह लीजिए चाहे आप एम्ब्रोशेक कह लीजिए, दोनों बात एक ही होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो क्या होता है, मैंने आप देखो साफ साफ मैंने लिखा है लेटर द वेजिटेटिव सेल्स, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स का मतलब होता है ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल एक ही बात होती है। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती है जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, और क्या होता है, और जाके सिनर्जिक सेल को क्या करती है? पिंच कर देती है। ठीक है, पिनिट्रेट कर देती है, और सिनर्जिक सेल से क्या होता है, केमिकल रिलीज होते हैं, और वो कहां जाते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस पर जाते हैं, और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं? पोलन ट्यूब पर जो ट्यूब न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल है, उसको इंडिकेट करते हैं कि भाई यहां आ जाओ, यहां पर एग है, यहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। मैंने इसके लिए आपके मैं इस पूरी बात को आपको एक एनिमेशन भी मैं भेजूंगा आपको, उस एनिमेशन को भी देख लेना, पहले मेरा देख लो फिर मैं एनिमेशन भेजूंगा। अब मैं देख लेता हूं कितने मिनट का हो गया, फिर मैं नेक्स्ट में आगे मैं आपके लिए शॉर्ट करता हूं। ये मेरा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 8 का पार्ट बी है, उसके बाद अभी लेक्चर नंबर 8 का पार्ट C आने वाला है। थोड़ी देर में जाइएगा नहीं स्क्रीन को छोड़ के, जस्ट मैं अभी आता हूं।